हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के अंदर ऐसे स्टोरेज डिवाइस काम में ली जाने वाली एक स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हाई स्कूल इंस्ट्रक्टर को और पास में बने बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको मिले हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, मैग्नेटिक टेप का आविष्कार फिट्ज प्यूफ्यूमर ने सन 1928 में जर्मनी में सबसे पहले आवाज़ या साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए किया था। अब दोस्तों, एक्चुअल में मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, एक पतला प्लास्टिक का रिबन होता है दोस्तों, जिसे कि चुंबकीय ऑक्साइड द्वारा लेपित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही इसे चुंबकीय ऑक्साइड द्वारा लेपित पर किया जाता है तो यहाँ पर इसमें डेटा को स्टोर करने की क्षमता आ जाती है। दोस्तों, चुंबकीय ऑक्साइड का लेप करने के बाद में यहाँ पर पतली एक चुंबकीय रिबन बन जाती है जिस पर डेटा को रीड और राइट किया जा सकता है। मैग्नेटिक टेप को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है और इसे आप सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ पर एक मैग्नेटिक टेप में हमें ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक टेप के अंदर डेटा को रीड और राइट करने की स्पीड स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सिक्वेंस में काम करती है और अगर आपको डेटा को रीड या राइट करना है तो आपको उस ट्रैक तक जो टेप को घुमाकर वहां तक जाना होगा, तभी आप वहां का डेटा रीड कर सकते हैं। आप एकदम से वहां उस स्पॉट पर जंप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि चुंबकीय टेप या फिर मैग्नेटिक टेप में अंदर डेटा का जो स्टोरेज की जो स्पीड है वो रीड और राइट की वो काफ़ी स्लो होती है। तो दोस्तों, ये था मैग्नेटिक टेप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।